तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर्मूले की। और फॉर्मूले में हम बातचीत करेंगे आपके साथ टेक्स्ट कैटेगरी के फॉर्मूले। जी हाँ, फॉर्मूला मेनू बार के अंदर जो टेक्स्ट कैटेगरी का फॉर्मूला है, इसके बारे में हम आपके साथ बातचीत करेंगे। और हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस में अतुल जी है, कामरान जी, पुनीत जी, रह समझ जी हैं। तो शुरू करते हैं। मैंने आप लोगों को रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी, आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जो लोग मेरा यूट्यूब पे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। टेक्स्ट कैटेगरी की बहुत सारे कैटेगरी के फॉर्मुलेज हैं, इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मुलेज और उसके ट्रिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास जो होता है वो होता है कोड, इसका कोड का और कैर का। जैसे कि हमने करेक्टर ए दे दिया और यहाँ पे हम कोड का फॉर्मूला लगाते हैं। कोड फॉर्मूला यहाँ पे रिटर्न करता है इसका कोड कि ए का एक्चुअली कोड क्या है, 65। फिर वापस हम कैर फॉर्मूला से इसका करेक्टर ले सकते हैं। ये चीजें सिंपल है, वो ये जान सकते हैं कि इसका यूज होगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन हम इसका यूज करेंगे अपने इस वर्ग में, लेकिन थोड़ी देर में। जैसे कि हम यहाँ पे कोई नाम लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो बहुत सारा स्पेस दे देते हैं, इसको अनवांटेड स्पेस कहा जाता है। अनवांटेड स्पेस, बहुत सारा स्पेस दे दिए, क्या स्पेस के साथ ही हमने यहाँ पे घुमा। तो ऐसे अनवांटेड स्पेस को रिमूव करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ट्रिम का। ट्रिम फॉर्मूला स्पेस रिमूव नहीं करता है, अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है। जैसे यहां देखिए, सुजीत कुमार ने कई सारे स्पेसेस थे, तो सिर्फ एक स्पेस को इसने अलग किया, तो अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम सेपरेटर में ये नहीं लगाते, स्पेस नहीं, ऑल्ट एंटर करके जो रैप टेक्स होता है ना हमारे होम मेनू में, वो रैप टेक्स का यूज कर देते हैं। अब ऐसे को अगर मैं यहाँ पे ट्रिम यूज करता हूं तो यहाँ पे आपको इस तरह से दिखेगा सुजीत कुमार। तो सुजीत कुमार दिखा, अब आपको दिख तो सही रहा है, लेकिन जैसे आप इसमें लेन लगाएंगे, लेन क्या करता है, सेल वैल्यू का लेंथ देता है, कितने नंबर ऑफ करेक्टर है, ये बता रहा है 12। बट आप मैनुअली काउंट करेंगे तो सुजीत 5 एंड 6, और 5 जो है कुमार 6 है, मतलब टी और के बीच में एक नॉन प्रिंटेबल करेक्टर है। जी हाँ, नॉन प्रिंटेबल करेक्टर। तो ऐसे करेक्टर को क्लीन करने के लिए आप यहाँ पे क्लीन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब इसमें लेन का फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो यहाँ पे लेन लेविन आ रहा है। तो ट्रिम और क्लीन फॉर्मूला समझ में आ गया। डाउट इसमें, क्लीन क्या करता है, नॉन प्रिंटेबल करेक्टर को क्लीन करता है, ऐसा करेक्टर जो विजुअल नहीं है, ऐसे को क्लीन करता है सर। समझे? हेलो, चलिए आगे बढ़े इसमें। आगे बढ़ते हैं, अब अगला जो ऑप्शन आता है इसमें कि इन दोनों के बीच में हमें सेपरेटर देना है, इन दोनों के बीच में हमें सेपरेटर देना है, तो कौन सा सेपरेटर देंगे, मतलब कि मुझे जो नॉन प्रिंटेबल करेक्टर था उसको स्पेस में कन्वर्ट करना है या रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे हम एक अगली जो फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं कि सेल वैल्यू के अंदर किसी पर्टिकुलर करेक्टर को किसी अनोदर करेक्टर से कैसे रिप्लेस करें। जो लोग यूट्यूब पे मेरे चैनल को, मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा मेरा मोबाइल ऐप का लिंक, तो फटाफट मेरे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लें, वहां पे बहुत सारे वीडियो कोर्सेस मिलेंगे सिक्वेंस में। तो यहां पे 1 2 3 हमने लिखा, इस डॉट को डैश में कन्वर्ट करना है।
इसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट का। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला किसी भी डॉट को डैश में कन्वर्ट कर, मतलब किसी भी करेक्टर को अनदर करेक्टर में कन्वर्ट करता है। लगाने का तरीका सब्स्टिट्यूट, यहां पे हमने दिया F1 टेक्स्ट लोकेशन, किसको किससे करना है। एंटर प्रेस करते हैं, आप देखेंगे कि जितना भी डॉट था वो डैश में कन्वर्ट हो गया। देखिए सब्स्टिट्यूट में एक लास्ट में आता है इंस्टेंस नंबर, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में है। और जहां से कि मैं पहले बताया था कि जो स्क्वायर ब्रैकेट में होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, तो यहाँ पे हम 1 कर देते हैं तो पहले ही डॉट को रिप्लेस करेगा, और अगर हम यहाँ पे 2 करते हैं तो दूसरे को, अगर कुछ भी नहीं करते हैं तो सबको रिप्लेस कर देता है। इसी में एक रिप्लेस का भी फॉर्मूला होता है। जी हाँ, रिप्लेस का, रिप्लेस फॉर्मूला क्या करता है, सेम रिप्लेस करता है कि इसमें से मुझे चौथे कैरेक्टर से एक कैरेक्टर को स्लैश करना है। तो रिप्लेस को इससे कोई मतलब नहीं है कि किस वैल्यू को रिप्लेस करना है, इसे जस्ट रिप्लेस कर दिया। समझे सर? हेलो, आया समझ में? अब बात करते हैं कि इसे हमने यहाँ पे सुजीत कुमार लिखा हुआ है, इसको इसके जो रैप टेक्स है, जो ऑल टेंडर हमने प्लेस किया है, उसको हमें रिप्लेस करना है स्पेस से ताकि सेपरेटर आ जाए। सब्स्टिट्यूट लगाएंगे क्योंकि करेक्टर को रिप्लेस अनुसार करेक्टर से करना है। तो प्रॉब्लम है कि इसमें हम ऑल टेंडर क्या लिखे, ऐसे लिखे गड़बड़ हो जाएगी ना सर। वो जो करेक्टर है, करेक्टर फॉर्मूला में लिखे कैसे? यहां पे हमारा एक कैरन कोड का यूज होगा कि मैं यहां पे ऑल्ट एंटर प्रेस करूंगा और फिर मैं कोड फॉर्मूले से इसका कोड पता करूंगा क्या है, 10 है। अगर मैं कैर के अंदर में 10 डाल के एंटर प्रेस कर दिया तो सेम आएगा। अब इन दोनों को हम आपस में बराबर कर सकते हैं, इक्वल है। मतलब कि फॉर्मूला लगाते समय हमें कैर के अंदर 10 रख देंगे तो सेम वैल्यू आएगी जो ऑल्ट एंटर से आती है, कैर 10 और यहाँ पे स्पेस। ये फॉर्मूला समझ में आया? क्या बोल रहे हैं, दुआ बोल रहे हैं सर? देखिए सिंपल सी बात समझिए कि ये हमारे पास एक फॉर्मूला है कोड का। कोड क्या करता है, किसी करेक्टर को अनुदर उसका कोड बताता है, और कैर के अंदर उसी कोड को डालते हैं तो वापस वो करेक्टर दे देता है। ये तो समझ में आ गया आपको। अब इसमें मैंने यहाँ सुजीत और कुमार लिखा हुआ है, तो टी और के बीच में सेपरेटर कौन सा है, तो ऑल्ट एंटर है। मतलब कि होम मेनू बार में जो रैप टेक्स है ना, रैप टेक्स है। अब रैप टेक्स यहां तो अप्लाई नहीं कर सकता ना सर, यहाँ पे यहां पे अप्लाई नहीं कर सकता ना सर। अब इनवर्टेड कॉमा में ऑल्ट एंटर थोड़ी प्रेस करूंगा, तो मैंने इसके लिए किसी एक सेल पे ऑल्ट एंटर प्रेस किया और प्रेस करके इसका कोड पता कर लिया कि जो ऑल्ट एंटर है उसका कोड क्या है। तो कोड पता चल गया कि 10 है। मतलब कि अगर मैं 10 कैर फॉर्मूले के अंदर में 10 डालूंगा तो सेम रैप टेक्स रिटर्न करेगा। रैप टेक्स रिटर्न किया और फिर सब्स्टिट्यूट इस रैप टेक्स को रिप्लेस कर दिया स्पेस। आप लोगों को जो फॉर्मूला समझ में आ गया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा सर। चलिए, तो पता चला कैरन कोड का क्या यूज होता है। अब कुछ छोटे मोटे जो फॉर्मूले उसको देख लेते हैं, जैसे कि अपर का फॉर्मूला है, जैसे हमारे जैसे सुजीत हमने लिखा और इसको हम अपर केस में कन्वर्ट करना चाहे तो अपर में हो जाएगा, लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहे तो लोअर में हो जाएगा, एंड प्रॉपर में कन्वर्ट करना चाहे तो प्रॉपर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमने कोई नंबर लिखा है,
तो क्या होता है कि इस नंबर पे बहुत सारे इस तरह के फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि मेरा नंबर पे कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई ना हो, तो आप इस नंबर को फिक्स फॉर्मूले के अंदर में, फिक्स फॉर्मूले के अंदर में डाल, डॉलर साइन के साथ चाहिए तो डॉलर फॉर्मूले में डाल दीजिए, डॉलर साइन सही आ जाएगा। इसके ऊपर आप कोई भी फॉर्मेटिंग, कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे तो आप एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे राम लिखा हुआ है और यहाँ पे राम लिखा हुआ है, नॉर्मल इफ लगाते हैं तो ये दोनों बराबर है, नॉर्मल इफ में ये दोनों बराबर है, क्योंकि नॉर्मल इफ जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। यहाँ चाहते हैं एग्जैक्ट मैच करना, एग्जैक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। एग्जैक्ट में क्या होगा, दोनों अगर एग्जैक्ट केस में होगा तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो दोनों अगर एग्जैक्ट हुआ इस तरह से तो इसका भी यूज आप कर सकते हो। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई नंबर को अगर टेक्स्ट में लिखा हुआ है तो वैल्यू फॉर्मूले से इसको नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर आप नंबर वैल्यू भी लिख सकते हैं, नंबर वैल्यू भी दे सकते हैं तो आपको ये डन करना है। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि एक ही टेक्स्ट में आपने नंबर और टेक्स्ट दोनों लिखा हुआ है, एक सेल में नहीं, मैं एक कॉलम की बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे सिर्फ कॉलम दिखे, टेक्स्ट ना दिखे, जो नंबर टेक्स्ट दिखे नंबर टेक्स्ट कोई एक दिखे, कोई एक चाहता हूँ, तो टेक्स्ट के लिए पी का फॉर्मूला लगाइए, तो इससे क्या हुआ कि नंबर विजुअल नहीं होगा, नंबर विजुअल नहीं होगा। जी हाँ, टी का फॉर्मूला, नॉट ए टेक्स्ट, टी। उसके बाद एन का फॉर्मूला है, इसको देखिए, एन का फॉर्मूला नंबर देता है, राइट सर। हेलो, जी हाँ, टी फॉर्मूला और एन फॉर्मूला। बड़े से इसमें अब बात करते हैं सेपरेशन की। जैसे कि हमने यहाँ पे रखा है सेपरेशन, मुझे अगर मान लीजिए कि इनमें से रेड लेफ्ट अलग लेना है, मिड अलग लेना है, राइट अलग लेना है, तो यहां हमारे पास एक लेफ्ट का फॉर्मूला है जो कि लेफ्ट से वैल्यू को अलग कर देता है, जितना डिजिट बोलेंगे उतना डिजिट अलग करता है। मिड का फॉर्मूला है जो कि मिड से वैल्यू को अलग करता है, जिसे मिड बताना पड़ता है, तो मिड हमारा क्या होता है, पांच में से तीन लेटर है तो पांचवें करेक्टर से तीन लेटर अलग कर, तीन करेक्टर अलग कर देगा। एंड राइट का फॉर्मूला है जो कि राइट से अलग करता है, हमने फोर दिया अलग कर दिया, तो लेफ्ट राइट एंड मिड का फॉर्मूला है। अब इसमें एक क्वेश्चन यहां पे आता है, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि अगर ऑटोमेट करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम आपको कल एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैंने बहुत सारे फॉर्मूले आपको करा दिए हैं, तो इन सारे फॉर्मूले को वन बाय वन आप प्रैक्टिस कर लें। तो दोस्तों देखा किस तरीके से जूम पे हमने क्लासेस दिया, तो आप भी मेरी क्लासेस को अपने जूम ऐप पे ले सकते हैं। इसके लिए अपने वेबसाइट iptindia.com पे जाए और सेशन को लॉगिन करें, और इसमें आपको डेमो क्लासेस मिलता है, डेमो क्लासेस का फॉर्म भर के ज्वाइन कर सकते हैं।
YouTube पे आप मेरे साथ बने रहे। YouTube पे मैं तकरीबन 5,000 से ऊपर वीडियोज अपलोड किया हुआ है और डेली बेसिस पे ये वीडियोज अपलोड होते रहते हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने अपना मोबाइल ऐप डाउनलोड कर दे रखा है, आप मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और मोबाइल ऐप में बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी मिलेंगे। आप देखिए बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं फ्री स्टडी मटेरियल में। उसके अलावा इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं एडवांस एक्सेल की, वीवीएम माइक्रो की, तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, इस कोर्सेज को भी आप देख सकते हैं। तो फटाफट मेरे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर क्लासेस लेनी है तो डेमो क्लासेस को फॉर्म फिल कर दीजिए। थैंक यू।